आज मैं बीजक की पहली रमैनी पर चर्चा करना चाहता हूं। पहली रमैनी में क्या है कि कबीर साहब जो कहना चाहते हैं पूरे बीजक में, उसका संक्षिप्त सार कह दिया गया है। साहब जो कहना चाहते हैं उसका पूरा एक लेखा जोखा क्या होना चाहिए, साहब का सिद्धांत क्या है, पूरे बीजक में क्या बताना चाहते हैं, इसकी चर्चा पहली रमैनी में ही हो है। वैसे मुझे यहीं से चालू करना चाहिए था, किंतु साखी प्रकरण सबको अनुकूलता हो, हर चीज को समझ सके, उसके नाम से साखी प्रकरण से चालू किया था, किंतु अब ये आखिरी सभा है समझ लीजिए ये चिंतन शिविर का, इसलिए साहब के पूरे सिद्धांत को हम थोड़ा थोड़ी थोड़ी बातों में समझेंगे। रमैनी एक, रमैनी किसको कहते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। रम रमना, ऐणी मतलब होता है प्रार्थना, रमैनी मतलब होता है प्रार्थना। इष्ट में रमन करो, अभिष्ट आपका क्या है वही पर चर्चा साहब करेंगे। इष्ट के प्रति जिसके भाव हो, सुंदर भाव हो, किसके लिए हो, कल्याण के लिए, रमैनी का अर्थ ही होता है प्रार्थना। हे गुरुदेव, हे मालिक, हे स्वामी, मेरा कल्याण कैसे हो और कल्याण के लिए क्या क्या रास्ता है, इसके लिए जो प्रार्थना करते हैं उसको साहब ने रमैनी रखा है। पहली रमैनी में 12 चौपाई है और एक साखी है। वैसे जितने रमैनी हैं सब में, एक दो चार को छोड़ करके, सब में चौपाई है और एक साखी है जिसको दोहा कहते हैं, उसी रूप में रमैनी की चर्चा साहब ने रखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई और दोहा लिखे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर साहब के बाद आते हैं, लगभग 100 साल के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का इस धरती पे पदार्पण होता है। साहब की बातें यहां पर चर्चा करेंगे। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर ज्योति, अंदर में एक ज्योति है, ये अंदर की ज्योति और बाहर की ज्योति को कई बार चर्चा हम कर चुके। सबके अंदर में यहां शिक्षा किसको दी जा रही है, मनुष्य को शिक्षा दी जाती है, और किसी प्राणी को तो शिक्षा नहीं दी जाती, उसको सिखाया जाता है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिसको सिखाया जाता है, और यहां हर प्रकार से शिक्षा दी जाती है, और ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो भूलता नहीं है। अब जैसे हम लोगों को स्कूल में का खा गा सिखाया गया है, 1 2 3 सिखाया गया है, और बहुत सी चीजें सिखाए हैं, अलग अलग विषय पर अलग अलग विशेषज्ञ लोग अपनी बातें रखे हैं, यहाँ सिखाना, यहाँ क्या है, शिक्षा दी जाती है, सबका अलग अलग शिक्षा है। और पशुओं को क्या है, कुछ पशु जिसको पालन, जिसको आप पालतू बनाते हैं कुछ समय के, ऐसे तो आदमी शेर को भी अपने कब्जे में ले लिया है, हाथी को भी ले लिया है, सांप और बहुत से प्राणियों को अपने कब्जे में लेकर के उसको कुछ ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग की बात है, साहब यहाँ कह रहे हैं कि आप जो मनुष्य हैं तो मनुष्य की शिक्षा किस रूप से होनी चाहिए, इसकी शुरुआत साहब करते हैं। अंतर ज्योति, अंदर में एक ज्योति है, किसके, सभी मनुष्यों के अंदर में, वैसे प्राणी मात्र के अंदर में ज्योति है, कौन सी ज्योति, अंतर ज्योति, एक बाह ज्योति है और एक अंतर ज्योति है। उसी अंतर ज्योति को कबीर साहब कहीं पर जीव कहते हैं, कहीं पर आत्मा राम कहते हैं, कहीं पर आत्मा कहते हैं, कहीं पर
राम कहते हैं, कहीं पर रमैया राम कहते हैं, कहीं पर राम नाम कहते हैं, ये सब चीज बीजक में आता है। कहीं पर साहेब कहते हैं, है किसके लिए? अंतर ज्योति, अंदर में ज्योति है। ये अंदर की ज्योति से हम बाहर की ज्योति का अनुभव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अंदर की ज्योति जिस दिन यहां से चला जाता है, उस दिन फिर बाहर की ज्योति का अनुभव किसी को होता नहीं है। ये शरीर माध्यम है, मन इंद्रिया माध्यम है समझने के लिए। तो अंतर ज्योति सबके दिल में विराजमान है, और सबके कौन, सबके सभी प्राणियों के, सभी प्राणी का यहां, सभी मनुष्यों के अंदर में जो ज्ञान ज्योति है वो अंदर में विराजमान है। किंतु मनुष्यों के पास, सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, उसके पास दो खासियत है, बहुत दो विशेषता है। दो विशेषता क्या है? एक विशेषता है शब्द और नारी, ये दो शब्द साहब ने यहां रखा है। शब्द का मतलब होता है बोलने की, जिसके पास क्षमता होती है। शब्द मतलब, शब्द शक्ति मतलब वाक शक्ति, वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता। सभी मनुष्यों के पास बोलने की क्षमता है। अब कहीं पर अपवाद हो जाए, कोई मूंगा हो जाता है, कई लोग गूंगा, गूंगा क्यों हो जाता है? क्यों सुन नहीं पाता है। जब सुनता ही नहीं है तो सीखेगा कैसे? ज्यादातर जो लोग बोल नहीं पाते, किसी बीमारी से ना बोल पाना वो अलग चीज है। कई बार कईयों को कंठ पकड़ लेता है, बोल नहीं सकते हैं, वो अलग चीज है। किंतु जन्म से जो नहीं बोल पाते हैं, उसका एक कारण होता है जन्म से सुन भी नहीं पाता, और सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे? हम लोग सुन सुन करके बोलना सीखें। तो एक शक्ति क्या है उसके पास? शब्द शक्ति है, बोलने की शक्ति। और दूसरा नारी, नारी शब्द पूरे बीजक में तीन अर्थ रखता है। नारी मतलब, तो नारी मतलब स्त्री, एक अर्थ होता है नारी का, अर्थ है स्त्री। दूसरा नारी का अर्थ है माया, जितने मायावी पदार्थ है उसको भी नारी के साथ में तुलना की है। और एक जगह और साहब ने नारी का अर्थ भक्ति के लिए भी नारी शब्द रखा है। नारी एक पुरुष दुई जाया, वहां पर नारी के अर्थ, वहां पर भक्ति के लिए भी नारी शब्द रखा। और तीसरा, चौथा क्या है नारी का अर्थ है? नारी का अर्थ है कल्पना, जो हम कल्पना करते हैं उसको भी साहेब ने पूरे बीजक में कई जगह वो नारी शब्द से उसका संबोधन करते। साहेब यहां अंतर ज्योति कहते हैं। एक जिज्ञासु कबीर साहब के पास गया। मैं पहले दिन कह दिया था कि कबीर साहब अपनी वाणी को हाथ और कागज कलम ले करके लिखे नहीं है, क्या किए हैं? बोले हैं। और बोलना किसके बीच में होता है? कोई मनुष्य सुनने वाला तो होना चाहिए ना, सुनने वाला होना चाहिए। तो जिन लोगों के बीच में साहब अपनी बात कह रहे हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, उसमें से एक जिज्ञासु खड़ा होता है और कबीर साहब को पूछते हैं। पूछते क्या है? गुरुदेव आपने अंतर ज्योति कहा, यह है क्या चीज? अंतर ज्योति जो आपने कहा है ये क्या चीज है? तो कबीर साहब इसका उत्तर देते हैं, उत्तर है दूसरी रमैनी। इसलिए दोनों रमैनी को लेकर के चलने से इसका अर्थ बहुत बढ़िया बनता है, समझ बहुत जल्दी आती है। दूसरी रमैनी में साहब इसका उत्तर देते हैं। उत्तर क्या देते हैं? जीव रूप एक अंतर बासा अंतर ज्योति। साहब कहते हैं जीव रूप में अंदर में निवास कर रहा है। कैसे निवास कर रहा है? जीव के स्वरूप में अंदर में निवास, अंतर ज्योति वही अंतर ज्योति। अब अंदर में कौन निवास कर रहा है? जीव तो है, सबके अंदर में जीव है। तो यहां अंतर ज्योति का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? पहला पर्यायवाची शब्द जीव,
उसी जीव को मैं शुरू में ही कहा था, साहब ने कहीं पर आत्मा कहा है, कहीं पर आत्मा राम कहा है, कहीं पर जीव कहा है, कहीं पर राम कहा है, वो सब चीज इसी बीजक में आएगा आगे। तो किसको साहेब अंतर ज्योति कहते हैं? जो जीव के रूप में अंदर में विराजमान है उसी को, उसी जीव को चेतन कहते हैं। तो जो चेतना शक्ति है अंदर में, आत्म शक्ति है, उसी को साहेब क्या कहते हैं? अंतर ज्योति कहते हैं। बीजक में एक जगह और साहेब ने प्रमाण दे दिया है कि बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। जैसे गुप्त धन को बताने वाले शास्त्र या वो लेटर हो, कोई ऐसे कागज हो, उसको बीजक कहते हैं। बीजक क्या बताता है? गुप्त धन को बताता है। इसी बीजक के साखी प्रकरण में जो बीजक पाठ फल है उसमें आया है, बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। बीजक क्या बताता है? धन का संदेश बताता है। कौन धन का? आत्म धन जही ठौर है। बचन कबीर उपदेश, कबीर साहब अपने उपदेश में, अपने वचनों में जो आत्म धन है उस धन को बताता है। तो अंदर में कौन है फिर? आत्मधन, चेतन धन। ऐसे शब्द बतावे जीव को, कबीर साहब कहते हैं मेरा जो शब्द है, मेरा जो वचन है, मेरा जो उपदेश है वो जीव को बताता है। जीव गुप्त सब चीज आदमी समझता है, जीव को ही तो नहीं समझ पा रहा। दुनियादारी सब चीज को सीखना चाहता है और अपने को भूला बैठा। साहेब उसी धन को बताते हैं। वो कौन सा धन है? वो आत्मधन। उसी को साहेब ने यहां चेतन, चेतना ज्योति कहिए, ज्ञान ज्योति कहिए, आत्म ज्योति कहिए, अंतर ज्योति कहिए, वो सबके दिल में बैठा हुआ है। अब इसके पास दो शक्ति क्या है? वो बोलता भी है, वाक शक्ति है। और बोलता कैसे? जैसे सोचता है वैसे बोलता है। नारी का अर्थ हुआ कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति मतलब कल्पना किससे करते हैं? हम मन से। तो हमारे पास यहां पर नारी का अर्थ हो गया, हमारे पास कल्पना शक्ति है मतलब मानसिक शक्ति है। दो शक्ति हर आदमी के पास है, एक वाक शक्ति बोलने की शक्ति, और दूसरा है कल्पना शक्ति मतलब सोचने की शक्ति मतलब मानसिक शक्ति। ये दो शक्ति, और इसी दो शक्ति के द्वारा आदमी फिर आगे कल्पना करता है। कैसे कैसे कल्पना करते हैं आगे? दूसरी रमायणी में ही हम दूसरी रमायणी को देखेंगे तो उसमें कैसे कल्पना करता है जीव। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह पर काशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी। वहां पर भी नारी शब्द है, देखे इच्छा रूपी, इच्छा करता है जीव, कल्पना करता है। नारी अर्थ है यहां पर स्त्री। इच्छा करता है, कल्पना करता है, सोचता है, विचारता है कि सृष्टि कैसे पैदा हुई, इसके लिए सोचता है। जानता नहीं, खाली सोच रहा है। सोचता क्या है? ये सृष्टि कैसे पैदा हुई, तब सोचता है। इच्छा रूपी नारी एक नारी का अवतरण करता है, पैदा नहीं करता है, क्या करता है? अवतरण करता है, उसको बनाता है। अभी ये हमारे पूर्व वक्ता ने भी कुछ याद दिलाया कि अभी नवरात्रि चल रहा है, इसमें जगदम्बा माता की ही उपासना अभी 9 दिन तक चलेगा, 2-3 दिन तो निकल भी गया। ये जो इच्छा रूपी नारी अवतरी, उसका अवतरण करता है, कल्पना करता है, और उस स्त्री का नाम क्या रखते हैं? तासु नाम गायत्री धरी। कहीं पर आद्य शक्ति भी कहते हैं उसको, आद्या भी कहा है, इसी बीजक में वो आद्या शब्द भी आया। तासु नाम गायत्री धरी, उस स्त्री का नाम गायत्री रखा गया। गायत्री के मां बाप कोई है नहीं, याद रखिएगा, आदमी की कल्पना है।
उसके पिता कौन है कोई नहीं बता सकता। गायत्री के कोई पिता कोई नहीं बता, क्योंकि कल्पना के पिता तो होगा नहीं, और पिता भी कहोगे तो कौन होगा, वो आदमी होगा जो उसको कल्पना कर रहा है। सर्जक, सर्जक कहो, जनक कहो, वो कौन होगा, आदमी होगा। वो अभी आप लोग देखेंगे कई जगह भारत माता का आप लोग फोटो देखें, भारत के नक्शा की बात नहीं पूछ रहा, भारत माता, एक माता है सफेद कपड़ा, उसको साड़ी पहना दिया जाता है, तिरंगा झंडा पकड़ा दिया जाता है, ज्यादातर आरएसएस वाले और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले लोग, जितने हिंदू संगठन वाले लोग हैं, क्योंकि धरती को माता कहा गया है। अब माता है तो माता का रूप तो होना चाहिए ना। तो आप लोग देखे होंगे फोटो कई जगह, कुछ प्रसंग आता है तो उसकी पहले उसी की पूजा करते हैं, वहां पर दीपक जलाते हैं। वो कौन है, वो भारत माता। उसके माँ बाप है क्या कोई नहीं। आपने कल्पना की एक स्त्री की और एक माता की कल्पना की, उसको सफेद कपड़ा पहना दिया, तिरंगा झंडा पकड़ा दिया। अब हजारों साल के बाद, अभी तो सब कोई जान रहे हैं आदमी की कल्पना, ये जो फोटो है ज्यादा दिन का नहीं है, ज्यादा दिन का नहीं है ये फोटो, आज से 100 साल पहले भारत माता के कहीं फोटो नहीं मिलते, ये स्वतंत्रता के बाद किया, उसी के आसपास की ये कल्पना। और हजारों साल के बाद जब सारे इतिहास इधर उधर उलट पुलट हो जाए, और हजारों साल के बाद कोई व्यक्ति लिखने लग जाए कि एक भारत माता थी इस भूखंड में, एक भारत माता थी, उसके 3 लड़के थे, कौन कौन 3 लड़के थे, एक हिंदुस्तान था, एक लड़के का नाम क्या था, हिंदुस्तान, एक लड़के का नाम था पाकिस्तान, तीसरे लड़के का नाम था अफगानिस्तान। और हजारों साल के बाद लोग जैसे मानने लग जाएंगे, वही दशा हमारी है। यह इच्छा करता है आदमी, क्योंकि उसके पास कल्पना की शक्ति है और बोलने की शक्ति है, जो कल्पना करता है उसको बोलता है, और बोल करके क्या कल्पना किया, एक स्त्री पैदा की, स्त्री का क्या नाम रखा, गायत्री। और तेहि नारी के पुत्र 3 भयो, उस नारी के 3 पुत्र पैदा होते, और उसका नाम क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउ। ब्रह्मा नाम है, विष्णु नाम है, और महेश्वर, ये कल्पना करता है। ये दूसरी रमैनी में साहब ने इसको रखा है, तेहि नारी के पुत्र 3 भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, फिर ब्रह्मा पूछता है अपनी महतारी से, यहां महतारी कौन है, अब गायत्री, गायत्री से पूछता है, को तोर पुरुष, तेरा पुरुष कौन है। कई बार ऐसे कहा जाता है, हमारे महात्मा लोग जब बीजक पढ़ाते हैं तो कुछ कथानक रूप से उसको कहते हैं, तीनों भाई बैठे थे एक बार, और तीनों भाई बैठे थे फिर आपस में चर्चा करने लग गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे हमारे पिता कौन है जानते हो, और सबको हम माता जी को तो देखते हैं, गायत्री को और पिता को तो देखते नहीं है, वो कहाँ होगा, कहाँ चले गए हैं, अभी तक पता नहीं चलता है। तब तीनों ने निश्चय किया कि नहीं, माता जी को ही, माता जी बताएगी, और दूसरा तो नहीं बता सकती, माता जी ही बता सकती है। तो फिर उन्होंने कहा, देखो ब्रह्मा को लोग दोनों लोग कहे, विष्णु और शंकर ने, ऐसा करो आप ही बड़े भाई हैं, आप ही पूछो तो भला एक बार, गायत्री माता से पूछिए। तो वही पूछना है यहाँ पर, और कैसे पूछते हैं, एक जगह और आया बीजक के आखिरी में 340 नंबर की साखी जब देखेंगे तो वहां भी पूछा गया, साहब जी थोड़ा बीजक दे, वहां पर भी पूछा गया है, ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोड़े शीश नवाए। किसी के पास यदि कहीं प्रश्न करना हो, कुछ पूछना हो, तो कबीर साहब हमको एक सलाह देते हैं कैसे पूछना चाहिए, जैसे ब्रह्मा ने अपनी महतारी से पूछा, कैसे पूछा है, ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोड़े शीश, कर मतलब क्या होता है, हाथ,
हाथ को जोड़ करके अवशीष को नवा करके। वैसे हमारे यहाँ भी पारखी भगत लोग जब किसी संत के पास आते हैं, कोई शंका समाधान होती है, तो निश्चित रूप से पहले हाथ जोड़ लेंगे, बंदगी कर लेंगे, तब पूछते हैं। ये पूछने का सिस्टम बढ़िया है, ऐसे जबरदस्ती बकवास करने जैसे नहीं पूछते। चाहे छोटे हो संत चाहे बड़े हो, उसको पूछते हैं। तो कैसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोड़े शीश नवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है। क्या पूछा है ब्रह्मा जी आखिरी में साहेब बताए, कौन वर्ण वह पुरुष है, वो पुरुष किस वर्ण का है, उसका रंग रूप क्या है। माता कहू समझाए, हे माता जी आप मुझे थोड़ा समझा के बता दीजिए ना, हमारे पिताजी कौन है, हम किसके लड़के हैं, अभी तक कुछ पता चलता नहीं है। अब माता उसको उत्तर देती, माता कैसे उत्तर देती है, रेख रूप वे है नहीं, उसका रेख कोई चिन्ह नहीं है और उसका कोई रूप भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं है उसका। अधर धरी नहीं देह, अधर मतलब होता है नीचे का अंग, नीचे का अंग मतलब होता है योनि मार्ग, योनि मार्ग से वो पैदा भी नहीं हुआ है। देखो कितना सुंदर गायत्री माता उत्तर दे रही, योनि मार्ग से वो पैदा भी नहीं हुआ है, तब फिर कहां से पैदा हुआ। गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह, गगन मंडल कौन है, आकाश, आकाश में क्या है, ये ऊपर में सबसे ऊपर कंग क्या है, खोपड़ी, ऊपर कंग क्या है, खोपड़ी। तो गायत्री माता कहती है वो कोई तुम्हारे जैसे पुरुष नहीं है, उसका रंग रूप कुछ है नहीं, वो योनि मार्ग से पैदा नहीं हुआ। कहां से पैदा हुआ है, आदमी की खोपड़ी से पैदा हुआ, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह, वो पुरुष कौन है, वो गगन मंडल से पैदा हुआ, आदमी की खोपड़ी से ये सब तुम लोग पैदा हुए हो, और कहीं से पैदा हुए नहीं। जब गायत्री माता ही आदमी की खोपड़ी से पैदा हुआ है तो उसके बच्चे कहां से पैदा हुए, वो भी आदमी के खोपड़ी से पैदा होता है। यहां पर वही बात साहब कहें, ब्रह्मा पूछे जननी से, और यहां पर क्या पूछा, फिर ब्रह्मा पूछल महातारी, और को तोर पुरुष के कर तुम नारी। तब गायत्री माता यहां पर भी वैसे ही उत्तर देती, तुम हम हम तुम और तुम हम, तुम हम हम तुम और ना कोई, तुम और हम, हम और तुम और कोई नहीं। मतलब बोलने वाला चेतन है, कल्पना की वस्तु कौन है, जो जिसको कल्पना की गई वो कल्पना है, आदमी ही कल्पना करता है, यहां इसका अर्थ इतना ही हुआ, आदमी ही कल्पना करता है, आदमी ही बोलता है, और कल्पना के कोई और दूसरा माँ बाप होता नहीं। ये सब आदमी की खोपड़ी की देन है, सोचने की देन है, और दूसरा कहीं पर पैदा होता नहीं। अब इसी के माध्यम से अब कैसे आदमी कल्पना करता है, साहब यहां पर आगे बता रहे हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। पहले गायत्री को पैदा करते हैं, गायत्री के पास तीन बच्चे बनाते हैं, और तीनों के, वो तीनों का नाम क्या है, हरि ब्रह्मा और त्रिपुरारी। हरि मतलब विष्णु, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, और त्रिपुरारी मतलब होता है तीन, त्रीन पूर अरि, इसका अलग अलग कर दो, त्रि मतलब तीन, पूर मतलब नगर, अरि मतलब दुश्मन, अरि मतलब दुश्मन, तीन नगर के दुश्मन ये कौन है, ये तीन नगर के दुश्मन हैं शंकर जी, इसलिए उसका नाम त्रिपुरारी पड़ गया। कहा जाता है कि तारकासुर के तीन पुत्र थे, उसके लिए उदाहरण साहब ने यहां रख दिया, त्रिपुरारी क्यों उसको कहते, तारकासुर के तीन पुत्र थे, कौन कौन थे उसका नाम है, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्मानी। और शंकर जी का हथियार क्या है जानते हो, शंकर जी का हथियार तिरछूल है, त्रिशूल।
ऐसा त्रिशूल मारता है शंकर जी कि एक त्रिशूल से तीनों शहर नष्ट हो गया। पता नहीं कितना बड़ा बम था वो। आजकल मिसाइल नहीं फेंक रहे हैं, अभी कई जगह लड़ाई भी हो रही है। तो शंकर जी के लिए कहा जाता है वो एक ही बार वो बाण मारा त्रिशूल, तारकाक्ष कमलाक्ष और विद्युन मालिका जो तीन शहर था एक ही बार में नाश हो गया। तब से उसका नाम क्या पड़ा है? त्रिपुरारी। उसका नाम क्या पड़ा? त्रिपुरारी। अब यहां पर एक चीज और कह दूं, जोड़ दूं अपने तरफ से कि जब गायत्री कल्पना है, उनके तीनों बच्चे कल्पना है, और तीनों के फिर आगे आया है ते तिरिये भगलिंग अनंता, उन तीनों के फिर से बहुत से बाल बच्चे पैदा हुए, तो सारे के सारे क्या है? आदमी की कल्पना के सिवा और कुछ है नहीं। इसलिए जितने भी पुराणों की बातें हैं, चाहे शिव पुराण कहो, ब्रह्म पुराण कहो, विष्णु पुराण कहो और गणेश का पुराण कहो, ये सब कल्पना है। अरे गणेश की उत्पत्ति के बारे में जो कल्पना करते हैं कि पार्वती को क्या हो गया था, इतना मैल भरा था तो मैल को इतना से इकट्ठा कर लिया, उसको बना दिया ऐसे मूर्ति, और मूर्ति बना दिया, बच्चे का मूर्ति बना दी गया और प्राण प्रतिष्ठा कर दी, वही गणेश बन गए। क्या इतना किसी के शरीर में मैल होता है भैया? वो भी पार्वती कहाँ रहती थी? कैलाश में, जहां धूल धक्कड़ कुछ नहीं। यहां मैदानी भाग में होता कुछ, मरुस्थल में तो बात अलग थी। कैलाश में जहां धूल धक्कड़ नहीं है वहां इतना मैल भरा गया, तो कल्पना नहीं लगता है क्या? और उसके बाद उसको कहते हैं सब कुछ का जानने वाला है, और शंकर आते हैं तो शंकर को नहीं पहचान पाता। शंकर को कहा जाता है भोलेनाथ, सारी दुनिया को जानता है, देखता है, परखता है, अब उनका ही पार्वती का ही बच्चा है, वो नहीं पहचान सका। लड़ाई हो गई। जो हम अपनी तरफ से खंडन नहीं करते, हम तो विवेक कर रहे हैं, परख कर रहे हैं, उसमें असलियत उसको छान रहे हैं। असलियत को छानना खंडन करना नहीं होता है। जब वो सब कुछ जानता है तो पार्वती के बच्चे जो गणेश है उसको क्यों नहीं जाना? और पार्वती नहा रही थी ऐसा कहते हैं, तो कितने देर तक नहा रही थी? इतना यहां हो हल्ला हो रहा था, कितने दिन तक लड़ाई चली, तब भी कहा कितने दिन तक नहा रही थी पार्वती फाटक बंद करके? जो कथा कही जाती वो बीच बीच में सब बहुत गड़बड़ी लगता है, विश्वास में बैठता नहीं। क्यों विश्वास में नहीं बैठता है? क्योंकि आदमी कल्पना करता है, हकीकत घटना होती नहीं है। और गणेश मार डाला गया, जब रोने लगी पार्वती तो हाथी के सिर को ला करके जोड़ दिया गया। अब बच्चा है, हाथी कितना बड़ा है, उसके सिर को ही पूरा इसे कर दो तो भी हाथी से चार गुना वजन तो वही हो जाएगा, उसको ऑपरेशन कैसे करेगा भाई? तो जितनी बातें हैं कल्पना, वो सब कल्पना है। और कल्पना का ही खंडन होता है, याद रखिएगा, हकीकत का कभी खंडन होता नहीं है। तेउन, इसलिए कबीर साहब यहां कह रहे हैं तेउन जाने आदेव अंता, ये सृष्टि के आदि अंत को वो लोग भी जान पाए नहीं, या ऐसे लिखने वाले लोग भी नहीं जान पाए, दोनों नहीं जान पाए। जो कल्पना कर रहा है कि गायत्री माता हुई, उसके तीन बच्चे हुए, उनके और अनंत बाल बच्चे हुए, ऐसे जो कल्पना करता है वह व्यक्ति भी सृष्टि के आदि अंत को नहीं जानता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिसको हम कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना किए, कबीर साहब कहते हैं आदि अंत को कोई नहीं बताता। आदि मतलब होता है शुरुआत, अवंत मतलब होता है प्रलय। कथा तो मिलेगी आपको कि इतने वर्षों के बाद प्रलय हो जाता है, इतने वर्षों के बाद फिर से उत्पन्न होता है, आपको कथा मिलेगी, किंतु कोई जान पाता नहीं। ये कल्पना की बात होती है। अब फिर आगे फिर केवल इतने ही सृष्टि के बारे में इतने ही चर्चा नहीं की, इतने ही कल्पना नहीं करता है आदमी। आदमी क्या कल्पना करने लग गया? 14 विद्याओं की बताने लग गए, 14 विद्या, और 14 विद्या की कल्पना करने लग गए। फिर उसको कहा जाता है ब्रह्मा जी जितने भी लोगों में बातें थी, आपकी बात अलग थी, उनकी कल्पना अलग थी, उनकी कल्पना अलग थी, किसी के और कुछ बातें थी। तो जैसे आजकल
ये शब्दकोश नहीं बनाते हैं। शब्दकोश में हम हिंदी के आदमी हैं, हिंदी जानते हैं, इसके बावजूद भी शब्दकोश के सारे अर्थ हम नहीं जानते हैं। पढ़ना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग होते हैं, अपनी अपनी बातें किए, तो उसको क्या किया, सबको संयुक्त किया। वो संयुक्त करने वाला काम कहें संकलन किया। संकलन किसने किया? बाखरी एक विधाते किन्ना। विधाता मतलब यहां पर ब्रह्मा के लिए विधाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी वाणियां इधर उधर फैली थी उसको ब्रह्मा जी ने एक जगह संकलन किया, बाखार बनाया, और उसी को वेद कहते हैं। चारों वेदों का संकलन किसने किया है? ब्रह्मा किया। इसलिए ब्रह्मा का चार मुंह बना दिया जाता है। सब प्रतीक है, और प्रतीक प्रतीक मतलब होता है चिन्ह, खाली चिन्ह है। गणेश भी एक चिन्ह है, शंकर भी एक चिन्ह है, विष्णु भी एक चिन्ह है। अब विष्णु के लिए कहा जाता है कहां रहता है? क्षीर सागर में। कहां रहता है वो? क्षीर सागर। और क्षीर सागर कहीं पर दूध का सागर देखे हो अभी तक? क्षीर मतलब होता है दूध, दूध का सागर होगा तो आज कहीं दूध इतना किलो है? 60 रुपये किलो हो जाएगा क्या? और वहां भी कहां है मकान वकान बना करके? कहीं वहां पर कोई नाव वाव में नहीं है, सांप में लेटा हुआ है, सांप में। और कोई और दूसरा आदमी, एक भी आदमी नहीं है, केवल वही अकेला है। और उसकी जो महारानी है लक्ष्मी जी, वो पैर दबा रही है। ये सब प्रतीक है भैया, ओरिजिनल वो आदमी नहीं है। ऐसे कोई ओरिजिनल आदमी नहीं होता है जो सांप पर लेटता हो। ये सब प्रतीक है। अब प्रतीक को कहने का मेरे पास समय नहीं है, इसलिए और कभी संजोग है कोई महात्मा आएंगे तो पूछ लेना। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाओ तीन पुन तीन बसावल गाओ। कबीर साहब कहते हैं आदमी कल्पना करते करते हरिहर ब्रह्मा का भी नाम हो गया, उसके अलग अलग काम बता दिया गया, और तीन पुन तीन बसावल, तीनों का तीन गांव बसा। ये कैसे गांव बसा है उसके लिए बीजक में और आगे साहब ने चर्चा की है कि ब्रह्मा क्या करता है, कर्म कांड का मार्ग चलाता है। ब्रह्मा जो है वो कर्म कांड का मार्ग चलाता है। विष्णु किसका है? भक्ति का मार्ग और उपासना का मार्ग चलाता है। और महादेव किसका मार्ग चलाते हैं? महादेव मार्ग चलाते हैं योग और संन्यास का। इसलिए जितने भी योगी लोग हैं और जितने भी सन्यासी लोग हैं उसका आदि आदि गुरु कौन है? शंकर। आदि गुरु कौन है? शंकर। जैसे हम कबीर पंथियों का आदि सदगुरु कौन है? कबीर साहब। कबीर साहब से ये कबीर पंथ का ये उदय हुआ है। तो वैसे सन्यासियों का आदि गुरु कौन है? शंकर जी। योगी कहो या सन्यासी कहो उनका है। और उपासना मार्ग का कौन है? विष्णु जी। उपासना मार्ग में जो भक्ति मार्ग है उसमें विष्णु जी का आता है। इसलिए जितने अवतार लेता है भगवान वो विष्णु के अवतार है। जो 24 अवतार की जो कल्पना की जाती है किसके अवतार है? वो विष्णु के अवतार, वो भक्ति मार्ग का है। और ब्राह्मण लोगों का एक और काम है क्या? कर्म कांड। कर्म कांड का मैं अर्थ बताया था एक दिन। कर्म कांड किसको कहते हैं? दूसरे के द्वारा काम करा करके उसका फल हम चाहें। काम करने वाला कौन? दूसरा। और फल कौन चाहता है? कराने वाला, उसका आयोजन करने वाला, इसको कहते हैं कर्म कांड। और खुद करने लग जाओ तब वो भक्ति में आ गया, फिर भक्ति में आ गया। तो कर्म कांड अलग है और भक्ति अलग है। कर्म कांड जैसे आप शादी करते हैं तो पंडित आता है, पंडित मंत्र वंत्र सब बाचेगा, आपको कोई लेने देने नहीं उससे। और फल किसको मिलता है? घर वाला। हमारे यहां भी कबीर पंथ में भी एक कर्म कांड है। महंत लोग आते हैं, टोपी पहनते हैं, बैठते हैं, चौका आरती करते हैं, और जो जीव यहां से 10 दिन 15 दिन महीना दिन साल भर पहले यहां से चला गया है उसके लिए वो चौका करते हैं। अब कर कौन रहा है यहां? यहां दूसरा महंत कर रहे हैं। फल किसको मिल रहा है? उसको जो यहां से कई कई दिन पहले जिसका शरीर छूट गया, इसका नाम है कर्म कांड। किंतु वहीं पर यदि आप पूजा कर रहे हैं, खुद पूजा कर रहे हैं, घर वाले पूजा कर रहे हैं,
एक एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, तो पूजा करना वो भक्ति में आ गया, फिर उपासना में आ गया। तो पूजा इसलिए पारक सिद्धांत में कर्म कांड नहीं, यहां भक्ति है, पूजा है, उपासना है। आप स्वयं जा करके बंदगी करते हैं, स्वयं जा करके आराधना करते हैं, वो आराधना मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो ये तीनों तीन तरह से अपना अपना मार्ग चलाया। इसलिए कुछ लोग जो लोग कर्म कांडी हैं, यही हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में कोई कर्म कांडी है उसको अपना लिया, कोई भक्ति मार्ग को अपना लिया, और कोई योग और संन्यास को अपना लिया। और इसका जो मार्ग चला तो उसका बड़ी महिमा बढ़ी संसार में। आज भी भोलेनाथ को पूजने वाले बहुत मिलेंगे, विष्णु को पूजने वाले मिलेंगे, और ब्रह्मा को बहुत कम पूजते। हाँ, कर्म कांड बहुत है, कर्म कांड उसके लिए बहुत है। साहेब कहते हैं तीन पूरी चल खंड ब्रह्मंडा छो दर्शन छानबे पाखंड, उसके बाद फिर उसके साथ में फिर अलग अलग पंथ निकलता चला गया, छह दर्शन बना। आदमी कैसे कल्पना करता है शब्द शक्ति और मानसिक शक्ति से, इसका साहब ने उदाहरण दिया। छह दर्शन बनाए, छह दर्शन क्या है जानते हो? योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। और छानबे पाखंडा क्या है? इसमें से फिर अलग अलग हुए, जैसे कबीर पंथ ही एक है, कबीर पंथ तो एक होना चाहिए, सबके सब कबीर साहब को साहेब बंदगी ऐसा कहते हैं, किंतु यहां भी तो 12 पंथ हो गया। कबीर साहब तो अकेला थे, कबीर साहब अकेला थे, किंतु यहां कोई नाद वंश वाला, बिंद वंश वाला, वचन वंश वाला, राम कबीर वाला, कितने हो गए। ऐसे ही हर पंथ ने, वो छानबे कैसा है उसके लिए एक साखी आता है, श्री राम रहस्य साहब ने रखा है उसको, 10 सन्यासी, 12 जोगी, 14 शेष बखान, 18 ब्राह्मण, 18 सेवड़ा, 18 ब्राह्मण और 18 ब्राह्मण और 18 क्या है, जो 12 जोगी, 14 शेष बखान, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 24 सेवड़ा परमान। देख लीजिए 96 हो जाता है, 10 सन्यासी, 12 जोगी, कितना हुआ दोनों मिलके 10 और 12 22, और 24 शेष बखान, 22 और 24 छोड़ जोड़ो तो कितना हो गया 36, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 18 18 36 फिर हो गया, और 36 और 36 कितना हो गया 72, और 24 सेवड़ा, 72 में 24 जोड़ दीजिए कितना हो गया 96। कबीर साहब एकदम प्रमाण के साथ में कहा है, ऐसे अलल टप्पू कहीं पर अपनी बात नहीं रख दिए हैं। इसलिए तो कबीर साहब को जवाब देने के लिए बड़े बड़े पंडित सब हार खा गए, क्योंकि उन्हीं के शास्त्र में लिखा है, अपने घर से तो साहब ने कहा नहीं है, उन्हीं के लोगों में बोला है। अब यहां पर खाली इतना ही मुझे कहना है कि जो कबीर साहब ने कहा अंतर ज्योति शब्द एक नारी, सबके दिल में, सबके अंदर में अंतर ज्योति है, ज्ञान ज्योति है, चेतना ज्योति है, आत्म ज्योति है, आत्मधन है, सब आदमी के पास। और आदमी की खासियत क्या है? वो बोलता भी है और सोचता भी, और इसी बोलने और सोचने के कारण वो गायत्री पैदा करता है, गायत्री के 3 बच्चे पैदा करते हैं, फिर उन तीनों के फिर से और अलग अलग बाल बच्चे पैदा करते हैं, और सबके पुराण बना देते हैं, शास्त्र बनाते हैं, 14 विद्या की कल्पना करते हैं, और उसके बाद फिर अनेक पंथ मत पंथ चालू हो जाता है। वैष्णव में ही कितने पंथ नहीं हो गए, नहीं देख रहे हो क्या? बहुत से पंथ हो गए, और सबका अलग अलग पंथ होते गए। एक कल्पना करने वाला कौन? आदमी, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला ने कब ना एक शास्त्र बनाया, ना एक कल्पना की, ना कुछ नहीं किया है। ये सारी कल्पनाएं, सारे वेद शास्त्र, जो लोग कहते हैं हमारे वेद को भगवान ने भेजा है, अपौरुषे है, कोई कहता है ये जो मुस्लिम परंपरा वाले वो लोग कहते हैं हमारे शास्त्र को, हमारे जो ग्रंथ हैं कुरान शरीफ वगैरह, उसको अल्लाह ने भेजा है। ईसाई लोग कहेंगे गॉड ने भेजा है। कबीर साहब कहते हैं नहीं, ना तो गॉड भेजा है, ना अल्लाह भेजा है, ना ही ऊपर वाला कोई
परम पुरुष परमात्मा है, ये सब किसने पैदा किया है? आदमी, आदमी की खोपड़ी से ये सब पैदा हुआ है। अब आगे के कबीर साहब का एक और सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? मानवतावादी। कबीर साहब मानव को मानव मानते हैं, मानव के सिवा और कुछ नहीं मानते हैं। और मानव को जो लोग कहते हैं जन्म से हम बहुत ऊंच हैं और किसी को जन्म से नीच बताते हैं, ऐसे लोगों के लिए अब साहब यहां पर उसका खुलासा कर रहे हैं। आगे, पेट नकाहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया। पेट के भीतर से जो लोग ये कहते हैं, मुसलमान लोग यह कहते हैं कि हम मुसलमान क्यों हैं, सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं, क्योंकि हम सुन्नत कराते। सुन्नत कराना क्या है? जो पुरुष के पेशाब इंद्रिय होता है उसके सामने की चमड़ी को काट देते हैं। आजकल आप लोग अभी इसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं YouTube वगैरह में, सुन्नत कैसे होता है। बच्चा चिल्लाता रहता है किंतु उसको काट देते। अब इसका खुलासा और हिंदू लोग जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं हम वेद पढ़ते हैं, हम वेद पढ़ते हैं इसलिए ब्राह्मण हैं। और लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो यहां पर साहेब प्रश्न करते, पेट न काहू वेद पढ़ाया, ये जो वेद आप यहीं आके पढ़े हो कि पेट के भीतर से पढ़ के आए हो? और यहीं आकर के यदि पढ़ते हो तो कोई भी आदमी ब्राह्मण हो सकता है। वेद के पढ़ने मात्र से यदि कोई ब्राह्मण होता है तो यहीं आकर के तो पढ़े हो ना, और यहीं जो पढ़ेगा तो कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। खाली वेद को पढ़ने मात्र से ब्राह्मण हो तो यहां जो जो वेद को पढ़ता है सब ब्राह्मण हो गया, सब ब्राह्मण हो गया। और ऐसा तो आप मानते नहीं हो। फिर दूसरा ब्राह्मण होने का एक चीज और बताते हैं कि जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं तो उसके लिए भी कबीर साहब ने कहा पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण हो ना। अब मेहरी क्या पहिराया? तुम लोग कहते हो कि हमने जनेऊ पहनते हैं इसलिए हम ब्राह्मण हैं, तो आप तो पहन लिए और आपका मेहरी मतलब होता है स्त्री, आपकी अर्धांगिनी, वो तो कहीं उसको तो आपने आज्ञा नहीं दी है कि उसको क्या करे जनेऊ पहने। जब नहीं पहने तो वो तो शूद्र, वो जन्म की शूद्रिन पर से तुम पाड़े क्यों खाया, वो तो शूद्रा के शूद्रा रह गई, उसका तो जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, तो आप कैसे उसके हाथ का खा लेते हो? जब उसके हाथ का खा लेते हो तो और दूसरे आदमी के हाथ का खा लेने में कौन सा अपराध हो गया भाई? स्वच्छता होनी चाहिए। अब आज का युग इतना सुंदर युग है, आज का युग कबीर साहब जो कहना चाहते थे, जो समाज को कबीर साहब देखना चाहते थे, जैसे समाज की कबीर साहब कल्पना करते थे, अपने आंखों से देखना चाहते थे, लोगों को जागृत करना चाहते थे, वही समाज आज हो चुका है। हमारा भारत का संविधान, स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना है, कबीर साहब की विचारधारा बिल्कुल उसके साथ में जुड़ता है। और जिन्होंने ये संविधान लिखा, जिसका अध्यक्ष रहा है कौन? भीमराव अंबेडकर साहब। और उस समय के अपने समय में सबसे विद्वान पुरुष था वो, पूरी दुनिया का, खाली भारत का ही नहीं, कई भाषा के ज्ञाता थे, और जितना वो विद्वान था और कोई पुरुष नहीं था। किंतु शुरुआत में कहा जाता वो कबीरपंथी थे, कबीरपंथी थे, किंतु कबीरपंथियों में भी ये जात पात का चक्कर, छुआछूत का चक्कर घर में घुसा हुआ था, ये घर में घुसा हुआ था। देखा है कबीर पंथ तो है, कबीर कबीर चिल्ला रहा है, किंतु जात पात अभी तक छूटा नहीं है। इसलिए उन्होंने कबीर पंथ को छोड़ करके क्या हो गया, वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। एक चीज और कह दूं इसी में, बहुत से आज अंबेडकरवादी अंबेडकर के कारण बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं, उसमें हमको कोई प्रश्न नहीं करना है कि आप स्वीकारते हैं,
किंतु जो कबीरपंथी होकर के बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं उसके लिए मेरा नम्र निवेदन है, बौद्ध धर्म आत्मा परमात्मा, कबीर पंथ परमात्मा मानता नहीं है आत्मा से अलग, किंतु वो लोग तो आत्मा भी नहीं मानते, चेतना को भी नहीं मानते, जीव को भी नहीं मानते। और आज भी बौद्ध धर्म में मांस मच्छी अंडा सरा अंडा वगैरह सब कुछ खा जाओ, क्या कबीर पंथ में ये चलेगा? कबीर पंथ का तो पहला ही सिद्धांत, पहले आचार पक्ष को सुधारो, आचार पक्ष यदि आपका सुधरा नहीं है तो आप कबीर पंथी नहीं बन सकते, कबीर पंथी नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए किसी के भावावेश में आप उसको राजनीतिक सपोर्ट करते हो करो, उसका हम आलोचना नहीं करते हैं, करो, मानवतावादी सिद्धांत है, सबको एक समान अधिकार देता है, उनके साथ में जुड़ो। किंतु आप एकदम शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति ऐसे लोगों की सेवा करना चाहते हो, ना तो चेतना को मानता है, ना आत्मा को मानता है, और ना ही आचार पक्ष में किसी प्रकार से शुद्धता नहीं है, खान पान सब की वहां उसकी शिक्षा ही नहीं दी जाती। अब कबीर पंथ में पहली इसी की शिक्षा दी जाती है, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण, हत्या मत करो, और जो मांस मच्छी खाता है हत्या बगैर आ जाएगी क्या? नहीं आ सकता। सब मांस मच्छी खाते हैं, बहुत आप भी YouTube में देख लो कितने बौद्ध सन्यासी लोग मांस मच्छी कितना खींच खींच के खा रहे हैं, आज भी खाते हैं, उसके रसोई में सब बनता है, वहां आचार पक्ष की शिक्षा नहीं है। और यहां तो कोई खाने लग जाए कबीर पंथ से भगाओ, उसको वहां से हकाल दिया जाएगा। ये अंतर है, मानवता की बात करते हुए भी आचार पक्ष की शुद्धता होना बहुत जरूरी है। यहां साहब कह रहे हैं, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया। और सुनत करा करके मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारा सुन्नत होता इसलिए हम मुसलमान हैं। साहब कहते हैं पेट के भीतर से तो सुनत करा करके आया नहीं है, जब खुदा ने सब कुछ बना दिया पूरा शरीर तो एक काम को काहे छोड़ दिया था जिसको आपको करना पड़े। इसका मतलब आज अभी आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, इसका मतलब कुदरत का बनाया नहीं है, आपका बनाया है, आपका बनाया नियम है, और आपके बनाए नियम को कोई भी उल्लंघन कर सकता है, उसमें कोई अपराध नहीं। जो मानने लायक बात है उसको मानो, और जो मानने लायक बात नहीं है उसको ना मानो। इसलिए जात पात के जन्म से जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, कबीर साहब इसके पक्का विरोधी थे। और कबीर पंथ में भी आज जो जन्म से किसी को श्रेष्ठ मानते हो, या आचार्य परंपरा में क्या है, वंश परंपरा, जन्म से उसके बच्चे आ गए बस वो पूजनीय हो गए, ये कबीर साहब नहीं मानते ऐसा। जन्म के बाद जिसका ज्ञान ध्यान बैराग में जो दृढ़ होगा और बोध और बैराग में जो आरूढ़ होते हैं वो आदमी पूजनीय होता है, जन्म से कोई पूजनीय नहीं हो सकता, सब एक ही तरीके से आदमी यहाँ पर आते हैं। मैं पहले ही कहा था कि आज का सिद्धांत, आज का जो हमारा संविधान है वो कबीर साहब जो चाहते थे उसी के अनुसार है। आज जैसे किसी भी एक पछात वर्ग का आदमी जिसको सतनामी समाज कहते हैं, उसका चार लड़के हो, चार लड़के, एक आदमी मास्टर बन गया, आज पढ़ते हैं ना बहुत से लोग मास्टर हो चुके हैं, तो किसका काम कर रहा है जानते हो, वो ब्राह्मण है, पढ़ना हो पढ़ाना, पढ़ भी रहा है और लोगों को पढ़ा रहा। एक लड़का उसका किस में चला गया, मिलिट्री में या पुलिस विभाग में रक्षा विभाग में चला गया, तो क्या बन गया, वो छत्री बन गया, उसका कर्म छत्री का कर रहा है, छत्री का काम वो कर रहा है, इसलिए वो छत्री बन गया। और एक आदमी क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यापार भी तो चाहिए, और एक आदमी खेती बाड़ी सबकी सेवा कर रहा है तो शूद्र हो गया। किंतु चारों के चारों जब घर में आते हैं, एक क्या कर रहा है, एक मास्टर है, दूसरा क्या कर रहा है, वो रक्षक है, तीसरा क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बहुत बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है,
और चौथा क्या कर रहा है, घर में घर संभाल रहा है, खेती बाड़ी को संभाल रहा है। जब चारों बच्चे जब घर में आते हैं, एक ही घर में आते हैं, माँ का भोजन बनाते हैं तो का छुआछूत मानते हैं क्या है? जो मास्टर है वो है तुम अलग बैठो ऐसा कहता है क्या? नहीं, काम के बंटवारा अलग अलग कर लो, किंतु जन्म से एक को नीच और एक को ऊंच मानते हो, इसका कबीर साहब पक्का विरोधी थे। और इसके लिए पूरा बीजक भरा हुआ, इसके लिए पूरा बीजक भरा हुआ है। तो पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते कर तू। साहब कहते नारी मोचित गर्भ प्रसूति, प्रसूति के समय, प्रसूति समझ गए ना, डिलीवरी, प्रसूति के समय बच्चे कहां से आता है, गर्भ से आता है। कहां से आता है? गर्भ से। आप लोग जानते हैं, सब संसारी हो, कैसे बच्चा पैदा होता है उसमें बहुत कहने की जरूरत नहीं है। यहां तो साहब याद दिला रहे हैं, याद क्या दिला रहे हैं, जिस समय प्रसूति का समय होता है उस समय माँ के नारी के गर्भ से बच्चे को खींच करके पैदा करते हैं, स्वांग धरे पहुंचते और यहां आकर के आप स्वांग रचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, तुम उससे नीच हो, तुम उससे नीच हो, कोई मुसलमान बता रहे हैं, कोई और कुछ बता रहे हैं। अब बच्चा कैसे हुआ? वैसे ही हुआ, जैसे सबके घर में पैदा होते हैं वैसे आप भी पैदा हुए हैं। और यदि आप अलग होते तो और राह दे काहे ना आया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया। यदि तुम कहते हो कि मैं ब्राह्मणी से पैदा हुआ तो दूसरे मार्ग से आते तब तो मान लेता, आप तो एक ही मार्ग से आया। किस मार्ग से? जिस मार्ग से दुनिया के लोग आते हैं। आगे का और देखिए लाइन, तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण व्याप मोहू। ये बहुत बड़ी बात है कबीर साहब की। कबीर साहब अपने को भी शामिल करके कहते हैं, तहिया हम तुम, मैं और तुम एक लोहू, एक ही तरीके से। लोहू मतलब होता है खून, यहां पर खून का मतलब हो गया सबके शरीर में एक ही प्रकार से खून दौड़ रहा, या तो लोहू का अर्थ हो गया रज और वीर्य। सबके सब, मैं और तुम भी सबके सब एक ही प्रकार से रज और वीर्य से सबका शरीर का निर्माण हुआ है। एक प्राण व्याप मोह, और एक ही तरीके से सबके अंदर में प्राण व्याप्त है, और मोह मतलब मोह माया भी सबके अंदर में वैसे ही है, कोई अलग नहीं। ये नियम साहब एक शब्द पर यहां पर खास बात चर्चा करनी है। तो यह एक शब्द आया है बीजक में, एक शब्द 2500 बार आया है यहां पर, आया है नहीं, यहीं पर दो तीन तो एक शब्द है, 2500 बार एक शब्द आया है। एक का अर्थ क्या होता है, शायद कल भी मैंने याद दिलाया था, कल या परसों, एक का अर्थ एक नहीं होता है। ये विद्वान लोग जो यूनिवर्सिटी के विद्वान लोग जो लोग कबीर के नाम से रिसर्च करके बहुत ही गलत व्याख्या कर डाले हैं कबीर की वाणी पर। एक का अर्थ एक नहीं होता है, एक का अर्थ क्या होता है, एक तरह से, क्या होता है, एक तरह से, एक विधि से, एक समान, एक जैसा, एक अर्थ एक नहीं होता। अब यहां देख लीजिए, तहिया हम तुम एक लोहू, तो एक का क्या हुआ, एक तरह से तुम्हारा और हमारा एक ही तरह से रज और वीर्य से शरीर का निर्माण होता है। एक ही तरीके से जैसे तुम्हारा लोहू है वैसा हमारा लोहू एक ही प्रकार से इस शरीर में दौड़ रहा है। एक ही तरीके से प्राण यहां व्याप्त है और एक ही तरह से मोह माया व्याप्त है। किसी को खून की जरूरत हो, खून की, कोई बीमार पड़ गया, ऑपरेशन वगैरह की नहीं देते हैं, ऑपरेशन वगैरह का खून की जरूरत, तो वो खून वाला जिस मरीज को खून चाहिए वो अपने जाति का खून मांगता है कि अपने ग्रुप का खून मांगता है, किसका खून मांगता है?
कभी सोचे है? अपने ग्रुप का ग्रुप होता है खून में, ए बी ओ सी, ऐसा सब ग्रुप होता है खून का। तो अपने ग्रुप का वो खून मांगेगा, अपनी जात का खून नहीं। अरे पिता का भी कई बार खून नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि ग्रुप अलग है, अलग अलग ग्रुप हो जाता है। तो आदमी को एक ही मतलब एक ही तरीके से सबके अंदर में, साहब इसलिए कह रहे हैं जाति का अहंकार छोड़ दो और ओरिजिनल जो प्रकृति की जो देन है, प्रकृति की जो रचना है उस पर ध्यान दो। यहां पर है एक तहिया हम तुम एक लोहू वेक प्राण व्याप मोह, एक एक अर्थ जान जाइए। एक एक अर्थ मतलब एक तरह से, फिर से कह रहा हूं, एक तरह से, एक विधि से, एक समान, एक जैसा, एक ही अर्थ। एक ही जैसा आपका लोहू है, एक ही जैसा मेरा लोहू है, और एक ही जैसा पूरी दुनिया के लोगों के लोहू है। और अपने को कबीर साहब यहां पर शामिल करते हैं। कल ही शायद और मैं कहा था कि जो लोग कबीर साहब को कहते हैं कि अन्नहार करता नहीं ताका नाम, कबीर कैसा है वो कि माटी नहीं शरीर और पांच तत्व हैं, हैं, हाँ, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। ये जो लोग कबीर साहब के बारे में इस तरह से चर्चा करते हैं, और कबीर साहब यहां अपनी बात बता रहे हैं कि उनका शरीर कैसा था, कि जैसे आपके शरीर में खून बह रहा था वैसे मेरे शरीर में बह रहा है, जैसे आपके शरीर में प्राण चल रहा है वैसे मेरे शरीर में प्राण चल रहा है, जैसे आपके अंदर में मोह माया व्याप्त होता है वैसे मेरे अंदर में मोह माया व्याप्त होता है। और पानी, आप लोग कह रहे हैं पानी से पैदा नहीं, रजवीर से पैदा नहीं होता है, उसके श्वास नहीं चलता है, ये कबीर पंथ, ये कबीर साहब ने नहीं कहा है। और पारखी संत कबीर साहब की बात करते हैं, कबीर पंथियों की मानंदी वाली बात नहीं करते, अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ता पारखी। पारखी संत अपने तरफ से एक भी बात नहीं जोड़ता है, पारखी साहब वही बात कहते हैं जो कबीर साहब ने कहा है। और लोग कबीर साहब की बात को साइड रख देते हैं और अपनी बात जोड़ते चले जाते हैं। अब अपनी बात जोड़ोगे कल्पना वाली बात हो गई, अब कल्पना की बात का ऑटोमेटिक उसमें विचार होगा, और विचार में सही नहीं उतरेगा तो उसका खंडन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कबीर साहब को कि वो उसका पांच तत्वों से उसका शरीर नहीं बना था, तो छठवा तत्व तो होता नहीं है, छठवा तत्व बता दो मुझे, तो किस तत्व से बना था? जिसका आप मूर्ति बनाते हो, जिसका आप फोटो बनाते हो, किस तत्व का बनता है? यदि पांच तत्व के सिवा छठा तत्व है नहीं, तो कबीर साहब का शरीर किस तत्व से बना था? नहीं बता सकते। और वो अन्न आहार कुछ भी खाता पीता नहीं था, तो पहले बच्चा था, बच्चा रूप में मिला था ना, उसके बाद जवान हुआ, बड़े हुए, फिर और प्रौढ़ हुए, फिर वृद्ध हुए, फिर 120 साल तक उनका शरीर रहा, तो कैसे रहा? धीरे धीरे बढ़ा तो एक साथ तो नहीं हो गया, या तो कह देते एक ही साथ पैदा छुआ दाढ़ी वाढ़ी वाला एकदम हो, और वैसे वैसे रहा, अचार अमर अखंड रहा उसका शरीर, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे के रूप में मिलता है। और ये कबीर साहब की जो लोग सेवा किए हैं, वो लोग जब वो खाता नहीं था, पीता नहीं था, कुछ नहीं करता था, तो क्या सेवा किए हैं भाई? धर्मदास साहब अपने यहां बुलाए हैं, अमीन माता उनकी सेवा की है, तो कैसे सेवा किए? वो तो खाते पीते थे नहीं, तो काहे का सेवा किया? खाली पैर दबाते रह गए, साहब मेरे गुरु महाराज, गुरु महाराज का कैसे ऐसे? अरे खिलाना पिलाना, आसन बिस्तर देना, सेवा करना, इसी को तो सेवा कहते हैं, इसी को सेवा सत्कार कहते हैं। और एक तरफ कहते हैं कबीर साहब अन्नहार करते नहीं थे, तो इस पर सोचना चाहिए, कबीर पंथियों को सोचना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब खुद पहली रमैनी की साखी ये चौपाई है। अपने घर से हम नहीं कह रहे हैं, तो कबीर साहब जो कह रहे हैं उस बात को तो मानो, कबीर पंथियों की बात भले न मानो कोई बात नहीं,
कबीर साहब कह रहे हैं उसकी बात तो मानना चाहिए और इस पर विचारना चाहिए और जो भी गलत मान्यता है उसको छोड़ने की हिम्मत रखना चाहिए। आगे और देखिए, एक जनी जना संसारा, एक मतलब क्या बताया था, एक तरह से, एक विधि से, एक समान, एक सरखा, एक जैसा। एक जनी, जनी मतलब होता है जननी, जनी मतलब जननी, जनेता, गुजराती में उसको जनेता कहते हैं। और जना मतलब आगे, जना शब्द है, जनी का पुल्लिंग, इधर जनी है तो उसका पुल्लिंग बना दो तो जना हो गया। जना मतलब क्या हो गया, जनक, जना मतलब जनक, जनक मतलब पिता। साहेब कहते हैं एक ही तरीके, आगे शब्द आया संसारा, सारे इसका अर्थ हुआ, वाक्य बना लो सारे संसार के। और जनी का, जना का अर्थ एक और होता है जो उसको क्रिया में आप उसको करोगे, जना मतलब जन्म देना या जन्म लेना, अब इसका अर्थ कर लीजिए। संसार के सारे लोग एक ही तरीके से, एक ही समान माँ बाप से पैदा होते हैं। फिर से कह देता हूं, संसार के सारे लोग एक ही प्रकार से और एक ही तरीके से माँ बाप से पैदा होते हैं। ये कौन कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। कौन ज्ञान से भयो निनारा, फिर अपने आप को अलग कैसे आप मानते हो, अलग कैसे हो गए। देखिए तीन नियम होता है, तीन नियम आदमी के पास, तीन नियम। एक नियम हम अपने लिए बनाते हैं जिसको व्यक्तिगत नियम कहते हैं, अपने लिए 4 बजे उठना है, 5 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, और हमारे नियम में कई बार गड़बड़ हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है हमने लिखा है 4 बजे उठेंगे, किंतु जरूरी नहीं कि 4 बजे नींद खुलेगी, और 5 भी बज जाता है, कई बार 3:30 हो जाता है, मतलब उसमें एक रूपता रहती नहीं है, अरे कुछ नहीं 2-4 मिनट का अंतर पड़ जाएगा, और एक इसमें एक रूपता नहीं है। दूसरा सामाजिक नियम, समाज का भी अपना नियम है, क्योंकि मनुष्य एक समाज में रहता है। अभी जैसे नियम बनाए गए यहाँ सब कोई बैठे हैं सत्संग में, भाई चप्पल बाहर निकालो, चप्पल बाहर निकालो, एक नियम है, किंतु जब यहाँ गंदगी रहेगा तब कहेंगे चप्पल पहन के आ जाओ, कोई बात नहीं, उसमें छूट छाट हो जाता है। एक तीसरा नियम क्या है, ये आदमी के नियम है, समाज के नियम है, बहुत अंतर है। हमारा देश का कानून अलग है, ये कानून बनाना भी सामाजिक नियम है, और कानून को बाद में फिर संविधान में चेंज कर देते हैं, जहां बैठा है ना दिल्ली में, वो लोग सब चेंज किया करते हैं, इस बार ऐसे कानून था तो अगले बार ऐसे कानून हो जाए। कहीं पर तो चोरी करने से हाथ काट दिया जाता है और यहां पर जेल डालते हैं 1-2 साल का, अलग अलग नियम है। और एक ये मतलब समाज के नियम में भी विभिन्नताएं हैं, एक नियम नहीं है। व्यक्तिगत नियम में भी आप 5 बजे उठते हैं, कोई 4 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, उसमें भी अलग अलग नियम, किंतु एक नियम किसका है, कुदरती नियम, प्रकृति का नियम है। और वो प्रकृति के नियम को यहां साहब रखते हैं, आदमी के नियम को बहुत श्रेय नहीं देते हैं कबीर साहब। किसके नियम को श्रेय देते हैं, प्रकृति के नियम को श्रेय देते हैं। प्रकृति का नियम क्या है, 6 बजे सूरज उगना है मतलब 6 बजे उगेगा, आओ चाहे सकरी में उठे, चाहे रायपुर में, चाहे बिलासपुर जाओ या और जहां जहां से आए हो, आपके गांव में भी उसी समय ही सूरज निकलेगा, ये प्रकृति का नियम है। अभी डूबेगा तो सब जगह एक ही बराबर अंधेला होगा, ताप लगेगा तो सबको वैसे ही ताप लगेगा, ये प्रकृति का नियम। और प्रकृति के नियम में एक और बता दूं, पानी को जब 100 डिग्री गर्म किया जाएगा तब वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, उबलने लगता है ना। उबलते समय पानी का तापमान जब मापते हैं तो 100 डिग्री आता है, उबलते पानी का तापमान 100, मतलब पानी को 100 डिग्री गर्म करोगे, भले आपके पास तापमान हो चाहे ना हो, थर्मामीटर, किंतु जिस समय थर्मामीटर नहीं था उस समय भी
उस समय भी जब पानी गर्म होता था तो क्या बनता था, वो भाप। और जीरो डिग्री में, जीरो डिग्री कर दो पानी को तो क्या बन जाएगा, बर्फ। वो यहां भी होगा, सकरी में भी होगा, रायपुर में भी होगा, और बड़ौदा में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ। ये प्रकृति का नियम एक है, क्या पानी को 100 डिग्री करोगे, गर्म करोगे तो भाप बनेगा, और 0 डिग्री करोगे तो बर्फ बनेगा। इसमें थोड़ा भी चेंज नहीं है। आप आग में महात्मा भी हाथ को रख दे आग में तो उसका भी हाथ जलेगा, और शैतान भी रखेगा तो उसका भी हाथ जलेगा, और महात्मा भी बर्फ में हाथ रखेगा तो उसको भी ठंडा लगेगा, और शैतान भी बर्फ में हाथ रखेगा तो उसको भी ठंडा करेगा। साबुन का काम है मैल को धोना, चाहे महात्मा नहाए चाहे भगत नहाए, चाहे स्त्री नहाए चाहे पुरुष नहाए, साबुन का काम है स्वच्छ रखता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम कभी चेंज नहीं होता है, और यही बात कबीर साहब यहां बता रहे हैं। क्या, एकै जनी जना संसारा, सारे संसार के लोग एक ही तरीके से माँ बाप से पैदा होते हैं। आगे और देखिए, और खुलासा कबीर साहब कर रहे हैं कैसे पैदा होते हैं उसका। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। बालक कहां से पैदा होता है, योनि मार्ग से, योनि मार्ग से। किस योनि से पैदा होता है, कुंवारी कन्या से होता है क्या, नहीं। किससे होता, भग भोगी के पुरुष, जिस स्त्री को, जिस योनि को पुरुष के द्वारा भोगा गया हो। इतनी स्पष्टता कबीर साहब का है, किसी स्त्री को जब तक कोई पुरुष उसके साथ में संबंध ना बनाए तब तक कोई बच्चा पैदा हो सकता नहीं है। अब देख लीजिए, अब कबीर साहब के साथ जोड़ लीजिए उसको, प्रकृति का ये नियम है। अपने तरफ से नहीं कह रहे, कबीर साहब भी अपने तरफ से नहीं कह रहे, प्रकृति के नियम को हमारे बीच में रखा है। ये प्रकृति का नियम है, स्त्री पुरुष के संबंध से बच्चा पैदा होते हैं, तो कबीर साहब कैसे फिर उसमें आ जाएगा, क्या नाम, कमल के फूल में, वहां कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा। कबीर साहब नियम बता रहे हैं तो क्या अपने लिए तोड़ देंगे क्या, नहीं तोड़ सकते। खीर खा करके कैसे कोई पैदा हो जाएगा, खीर खाने से कहीं गर्भ होता है क्या, खीर खा करके गर्भ नहीं होता। कान से कैसे गौकर्ण पैदा हो जाए, कान से कैसे कर्ण पैदा हो जाएगा, हाँ, मैल से कहीं गणेश बन जाएगा क्या, और शंकर के, उसके लिए के क्या नाम, हनुमान जी के लिए तो तीन तीन पिता बता देते, शंकर सुवन केसरी नंदन पवन सुत, हनुमान की जय, तीन तीन पिता बता दिए, कोई ठिकाना नहीं। कबीर साहब कहते हैं प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का नियम क्या है, सबको एक ही रास्ते से पैदा होते हैं, दूसरे रास्ते से पैदा नहीं होते हैं। और गर्भ धारण करने का भी एक ही नियम है, कोई दूसरा नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए जहां भी चमत्कार वाली बात कही जाती है या आशीर्वाद वाली बात कही जाती है कि अमुक आशीर्वाद दे दिया ठीक हो गया, अमुक का आशीर्वाद दे दिया बच्चा पैदा हो गया, आशीर्वाद से कभी बच्चा पैदा नहीं होता। आशीर्वाद मतलब किसी को शुभकामना, अभी भी शुभकामना सबको कहते हैं, सबको शुभकामना देते हैं, महात्मा तो सबको शुभकामना देते हैं, भैया तुम्हारा बढ़िया हो, उद्धार हो, सब कुछ हो, किंतु हो जाता है क्या, अरे जैसे कर्म करोगे वैसे तुमको फल मिलेगा, कर्मों के अनुसार फल मिलता हो, प्रकृति का एक नियम है। उस प्रकृति के नियम को यदि हम उल्लंघन करेंगे तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। थोड़े से और बाकी है, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, अविगति की गति काहू न जानी। अविगति मतलब होता है अज्ञात, अज्ञात की बात को कोई जानता नहीं है, अनाप शनाप अपना हाँकते रहते हैं। कैसे अज्ञात है, प्रकृति के बहुत सी चीजें अज्ञात है, आप नहीं बता सकते,
जैसे हम रोटी खाते हैं, सबके सब रोटी खाते हो ना, सबके साथ दाल भात रोटी सब्जी फल फूल सब खाते हैं, खून कैसे बनता है बता सकते हो? उससे हड्डी कैसे बनता है बता सकते हो? मांस मज्जा कैसे बनता है बता सकते हो? बाल कैसे काला था पक गया बता सकते हो? ये जो काला था वो पक गया सफेद हो गया बता सकते हो? बहुत से प्रकृति के नहीं अज्ञात है। साहब कहते हैं प्रकृति में बहुत सी चीजें अज्ञात है, उसको काहू न जानी। सबके सब हर नियम को कोई जान सकता नहीं है, किंतु प्रकृति का एक नियम है, उस नियम के अंतर्गत ही सारी घटनाएं घटती है। आपके द्वारा कोई घटना नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं जो आप तो पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो सब कुछ जान जाता है बैठा बैठा। चाहे जितना बड़ा आप तो पुरुष हो, ज्ञानी पुरुष हो, ध्यानी पुरुष हो, अरे दाढ़ी में कितना बाल है वो नहीं बता सकता। बाहर की बात छोड़ दो, उसके सिर में कितने बाल है उसको गिन करके नहीं बता सकता इतना बाल है। अज्ञान की बात, अज्ञात की बातें कोई कह सकता? मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा। अभी जितनी बातें, वैसे मैं जहां कहीं भी जाता हूं मैं कबीर संदेश की बात करता हूं। कबीर साहब ने जो संदेश दिया है अपनी वाणी में, अपनी बातों में, उसी बातों को मैं समाज के बीच में रखता हूं, अपनी बात नहीं कहता हूं। यहां भी हम अपनी बात, आज 20 दिन हो गया अपनी बात हमने नहीं कही कि मैं कह रहा हूं पक्का मान लो, ऐसा नहीं कहा। मैं तो वही कह रहा हूं जो कबीर साहब ने कहा है। प्रकृति के नियम को भी रखा है और यहां पर साहब कहते हो अज्ञात की बातें, अज्ञात प्रकृति में बहुत सारी चीजें अज्ञात है, उसके नियम को यदि नहीं जानते हो कोई भी नहीं जान सकता है। एक जीव कित, एक कित का मतलब होता है कित्य, कित्य मतलब होता है कर्म करने वाला। एक जीव का काम है, एक जीव कित, कित मतलब होता है कितना। ये आदमी की ऐसी ऐसी कल्पना है, मैं कितना बखान करके कहूं भैया, आदमी की सब ये लीला है। जहां कहीं बातें कह दी, अरे अमुक कैसे हुआ तो बता दिए, अपने छाड़ दिए। पानी कैसे गिरता है कोई बताता है क्या? आज विज्ञान बताता है, किंतु हमारे और जो शास्त्रों में लिखा है, इंद्र भगवान जब कपड़ा निचोड़ता है ना तब पानी गिरता है, हम मान लेते हैं, मान लेते हैं। इतने दिन से नहाया नहीं था, इतना कपड़ा भरा हुआ था कि कपड़ा निचोड़ रहा था, पूरा पूरा ये तरह पूरे छत्तीसगढ़ में कई बार बरसात हो जाती है ना झड़ी, तो इतना कपड़ा निचोड़ रहा है भैया इंद्र भगवान, मान लेते हैं। एक आदमी की कल्पना है, कहां तक बखान करूं? अभी गति की गति जो मुख हो इसको कौन जान सकता है? जो मुख हो या जीव दक्ष लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। कोई ऐसा महान पुरुष होगा जिसके मुख में 10 लाख जीव होगा? किसी के मुख में 10 लाख जीव होता है क्या? नहीं। जैसे किसी के मुख में 10 लाख जीव नहीं हो सकता, वैसे ही दुनिया के सारी चीजों को कोई भी व्यक्ति जान सकता नहीं है। जैसे 10 लाख जीव का होना असंभव है, वैसे ही दुनिया के एक एक घटना को बता पाना, जान पाना बिल्कुल असंभव है। इसके लिए साहब ने कहा जो मुख हो ये जीव 10 लाख। जैसे 10 लाख जीव किसी के अंदर में नहीं होता है, किसी के मुंह में, वैसे ही दुनिया के चीजों को बताना कोई इतना संभव नहीं है। तो कोई आए, ऐसा होता नहीं, इसलिए कोई भी आदमी दुनिया के प्रकृति के नियम को जान सकता नहीं है। साखी की बातें कल चर्चा करेंगे, और कल है थोड़ा सा, इसलिए खास यहाँ आज चर्चा ये हुई पहली रमणी में, कि इसका थोड़ा सार बता दूं। अंदर में बैठी हुई जो चेतना है, उसी चेतना को कबीर साहब अपना इष्ट मानते हैं। उस चेतना का नाम अंतर ज्योति है, ज्ञान ज्योति है, आत्मशक्ति है। और आदमी के पास दो चीजों की शक्ति है, वो बोलता भी है और सोचता भी, और इतनी कल्पना करने लग जाता है, इतनी कल्पना करने लग जाता है, आकाश पाताल की कल्पना करने लग जाता है, और उसी कल्पना के अंतर्गत उसमें भटकता भी। दूसरा कबीर साहब का सिद्धांत है, आदमी आदमी है, मानव मानव है,
कोई जन्म से ना बड़ा है ना छोटा है, कर्मों से बड़ा छोटा होता है कर्म। यहां महात्मा लोग को ऊपर बैठा है, क्यों बैठाया हो? इसका कर्म कुछ अलग है। और लोग नीचे बैठे हैं, क्यों नीचे बैठे हैं? विनम्रता के कारण, अपनी सभ्यता के कारण, और उनके कर्म कुछ इनसे कुछ अलग है इसलिए नीचे बैठते हैं। किंतु छुआछूत नहीं है यहां पर, छुआछूत अलग चीज है। साहब कहते जन्म से किसी को अछूत मानते हो, ये सामाजिक अपराध है, बहुत बड़ा पाप है, ऐसा पाप कोई मत करो। दूसरा, जो चमत्कार की बातें लोगों के अंदर में बैठा हुआ है, चमत्कार की बातें क्या बैठा है कि किसी के आशीर्वाद से पैदा हो गया, किसी के और किसी से पैदा हो गया। साहब यहाँ पर कहते हैं प्रकृति का एक अपना नियम है, जन्म धारण करने का भी नियम है, गर्भवास में जाने का भी नियम है, और वहाँ से पैदा होने का भी अपना नियम है। वह नियम कभी चेंज होता नहीं है, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो जाए, चाहे उसको पूजने लग जाए, किंतु जब पैदा हुआ था तो वैसे ही मोह माया था, वैसे ही अज्ञानता थी, वैसे ही रज प्रिय से पैदा होता है। इसलिए महामानव को जन्म से महामानव ना मानो, कर्म से महामानव मानोगे तभी सही बोध होगा। और आगे की चर्चा कल करेंगे, अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ और साहब से